आप सभी को जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। गो माता को प्रणाम किया। गो माता की गौशाला की रज है गोरज, ये गोधूली बेला में इसके ऊपर चरण रज लगाने से शरीर के सब पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान की कृपा से भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, शुद्ध भावना प्राप्त होती है। आप भी गो माता के दर्शन कीजिए। आज एकादशी की शुभ घड़ी है। प्रणाम किया गो माता को। अब आप देखिए गौ माता चारा पानी चर रही है और स्वस्थ वातावरण है, सुंदर हवा चल रही है। सभी वार्डों के अंदर अति सुंदरता की ओर गौ माताएँ खड़ी चारा चर रही है। समय की बात है, कोई बिकम कौर गाँव का बाग था, इतनी बड़ी गौशाला यहाँ जगह स्थापित होनी समय की बात थी। कोई समय था, कुछ संजोग था। सामने भी वार्ड है, देखिए बहुत दूर दूर तक अति सुंदर वार्ड दिख रहे हैं। और ये देखिए अति सुंदर गोलोक, गौ माता रात्रि विश्राम रहन बसेरा कर रही है। अति सुंदर गोलोक मित्रों, ठीक शुभ रात्रि, शुभ संध्या। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। पूज्य गौ माता का आशीर्वाद बना रहे आपके ऊपर। भगवान आपको गौ माता की कृपा से लंबी उम्र प्रदान करे, परिवार स्वस्थ हो, आपके व्यापार के कदम नई ऊंचाई को छुए। गौ माता को गौशाला के अंदर जाकर के प्रणाम करने से शरीर के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। आप कभी भी आसपास में गौशाला है वहां जाकर के सुबह शाम गौ माता को प्रणाम करें। गौ माता के चरण रज, जैसे भी नाक के ऊपर ये चरण रज लगी है, ये लगने से समस्त ग्रह पीड़ा अच्छी होती है और हर प्रकार से स्वास्थ्य बगरा। इस संसार में मानव जीवन में ज्ञान, भक्ति, वैराग्य प्राप्त होता है, भगवत प्राप्ति प्राप्त होती है प्रभु नाम से। ठीक मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।